मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। आदमपुर हलके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे व पूर्व गृह मंत्री मनीराम गोदारा के भांजे मनोज पाल टिकट की दौड़ में सबसे आगे खुद को दिखाने में एक मौका तक नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे वो आस्था रैली में 50 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना होना हो या गांव का दौरा करके लोगों की समस्याएं जाननी हो। इसी के चलते गत दिवस मनोज पाल ने गृह मंत्री अमित शाह की आस्था रैली में खुद को एक मजबूत दावेदार दिखाने के लिए आदमपुर के सरपंचों पंचों की 50 गाड़ियों के काफिले के साथ शिरकत की। अपनी टीम की 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर मनोज पाल ने रवाना किया। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में मनोज पाल का कहना है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो आस्था रैली है वह रिकॉर्ड तोड़ रैली साबित होगी। गांव के दौरे के सवाल के जवाब में मनोज पाल का कहना है कि वो आदमपुर के सभी गांवों का दौरा कर चुके हैं और भारी मात्रा में समर्थन उन्हें आदमपुर की जनता से भी मिल रहा है। आइए आपको भी सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज के साथ मनोज पाल की खास बातचीत। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मिनी पंजाब होटल में। यहाँ मनोज पाल जो जींद में रैली है उसको लेके अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपने दोस्त और वहाँ के कई सरपंचों के साथ यहाँ से गाड़ियों के काफिला लेके जींद पहुँच रहे हैं जो रैली होने जा रहे हैं, जहाँ अमित शाह आज के मुख्य अतिथि होंगे। वहाँ पे मनोज जी से जानते हैं। मनोज जी, किस तरह के, जैसे यहाँ से कितने लोग आपके साथ, किस तरह की उम्मीदें हैं? देखो, आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी जींद की। ये जींद की रैली एक इतिहास बदलेगी। हरियाणा के अंदर आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं होगी जो जींद की रैली होगी। माननीय अमित शाह जी ने हरियाणा के पूरे हिंदुस्तान के हर इंसान के अंदर, हर आदमी के अंदर एक उनके लिए आस्था जागी है। और रैली के लिए यह है कि इतना हमारा बिना कई लोगों का खुद का अपना आपका इतना वो जोश है कि खुद जाना चाहते हैं रैली के अंदर। जैसे आपके साथ कितने एक सरपंच है, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन कराया था, कई सरपंच आपके साथ, कहाँ कहाँ से सरपंच है? क्या आदमपुर हल्के से हैं या और भी इलाके से? आपने कोई भी आदमपुर से बाहर का सरपंच नहीं है, सभी आदमपुर हल्के के सरपंच है और 1.5 दर्जन के करीब हमारे साथ सरपंच है। तो जैसे आदमपुर हल्के में आप आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? और जैसे सरपंच आपके साथ हैं तो क्या उम्मीद है, पार्टी आपके ऊपर विश्वास करेगी? ये सारा हमारा भाईचारा है, आपस का भाईचारे के अंदर सारे सरपंच भी, ये पार्टी के भी साथी हैं ये लोग। और पार्टी के टिकट के लिए कोई एक ये नहीं होता कि कुछ उम्मीदवारी के लिए कुछ हो, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बना के भेजेगी हम उसके साथ हैं। जैसे कि आज आपके साथ इतने लोग जा रहे हैं और इतने काफिला आप लेके जा रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं जींद में, जैसे आप जाने के बाद वहाँ से किस तरह के हरियाणा के लिए अमित शाह किस तरह घोषणा करने वाले हैं? ये देखो, बड़े नेताओं का अभी हमें नहीं पता, इस चीज़ का जाने पर हमें पता लगेगा। और वहीं दूसरी ओर मनदीप मलिक का कहना है कि हांसी से 15 गाड़ियां और आदमपुर से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का जो काफिला आस्था रैली के लिए रवाना हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि लाखों की तादाद में जनता वहां पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस रैली से और भी अधिक मजबूती मिलेगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज की मनदीप मलिक के साथ खास बातचीत। 25-30 गाड़ियां वो जो मेरे हांसी हल्के से जा रही है और मैं ये समझ सकता हूँ कि सब कार्यकर्ताओं में इस रैली के प्रति जो जोश है, जो प्यार है और जो उमंग है, उससे देख के लगता है कि जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान में 300 पार हमने सीट जो जीत करके 303 का आंकड़ा पार किया, उसी प्रकार से हरियाणा में 75 नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है यह आंकड़ा 85 पार होता दिखाई दे रहा है। जैसे आदमपुर हल्के से बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, उसमें एक जैसे मनोज पाल भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या टिकट पार्टी किन को दे सकती है? ये पार्टी का हाईकमांड का मामला, ये मेरे लेवल से ऊपर की बात है, लेकिन सब साथी अपने अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं। उनमें से एक मनोज पाल भी है, तो वो तो पार्टी का नेतृत्व तो देखेगा कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, क्योंकि जो आदमपुर सीट है वो बड़ी आउट सीट है, वहाँ पर दमदार आदमी का होना ही एक, मैं समझता हूँ कि इस आदमपुर को जीतने में, पार्टी के लिए सीट निकालने में कामयाब होगा। लेकिन जो टिकट की जो बात है वो तो हाईकमांड और पार्टी का जो नेतृत्व है और जो सिलेक्शन कमेटी हमारी पार्टी की वही तय करेगी। जी सूरज साहब, आप बताइए, आप भी जैसे पार्टी के नेता हैं और आप लोग भी जैसे पार्टी के कार्य में जुड़े रहते हैं, किस तरह की जैसे जींद की रैली से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? जींद की रैली जब से ये अब MP वाला जो इलेक्शन के बाद में जो लहर चली है और अमित शाह जी पहली बार हरियाणा में आ रहे हैं धारा 370 हटने के बाद, ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल में 90 की 90 सीटें BJP की झोली में जाएंगी। और वहीं कुछ आदमपुर के सरपंचों ने मनोज पाल की भरपूर तारीफ भी की। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि मनोज पाल की तारीफ में उन सरपंचों का क्या कहना है। क्या नाम साहब आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, जैसे आप सरपंच है और आप मनोज जी के साथ कैसे जुड़े? मनोज भाई साहब से हमारा बचपन का रिश्ता है, कोई पार्टी का नहीं है। मनोज पाल जी के साथ
तो आप सरपंच है गांव के, बहुत सारे बीजेपी के नेता है और भी नेता है और लोग भी आते होंगे आपके पास समर्थन मांगने के लिए, और तो किस तरह से लेंगे इसमें मनोज पाल और नेताओं में, क्या आप समझते हैं क्या अलग? मनोज पाल तो हमारे साथ में रहने वाले भाई है अपना, ये तो हमारे साथ बचपन से रहे हैं, हम इनके सुख दुख में जाते आते रहते हैं, हल्के में कहीं बुलाओ, हल्के में रहते हैं कहीं बुलाओ इनको भाई साहब को, मनोज जी के साथ है बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मनोज शर्मा। थोड़ा सा आगे आ जाइए मनोज जी, आप कौन से उससे कहाँ से सरपंच? मैं बीड हिसार से सरपंच हूँ। जैसे मनोज जी के साथ आप लगे हुए हैं, किस तरह के नेता हैं और क्या मानते हैं आप? इनके अंदर एक नेता वाले गुण नहीं, एक भाई वाले गुण है, जिसकी वजह से हम इनके साथ लगे हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं और हमारे को छोटे भाई की तरह रखते हैं, और इस हिसाब से हम भाई साहब के साथ हैं। आपका नाम सर? हाँ, सत्येंद्र सरपंच, चंदन नगर से। चंदन नगर से आप सरपंच हैं, तो मनोज जी के साथ किस हिसाब से जुड़े हुए हैं? क्या लगता है कि अगर आने वाले समय में इनको टिकट मिलती है, अगर जीतते हैं, तो क्या जनता की जनभावना को उसको देखते हुए सेवा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर, जब आप बिना उसके निस्वार्थ करने लग रहे हैं, अब तो कुछ पद पे भी नहीं है और 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, जब भी हम इनको याद करते हैं, कोई भी काम है गाँव का या सोशल किसी का भी काम है, उसके लिए तत्पर रहते हैं हमारे साथ। बाकी आदमपुर के और नेता, इनमें क्या फर्क मानते हैं आप? हमारा भाईचारा जी बिल्कुल साथी है हमारे, दुख तकलीफ में हमारे साथ रहते हैं, फोन करके पूछते हैं भाई गांव में कोई समस्या है कि नहीं, हमारे पास समस्या ना होने के बावजूद भी हमारे बार बार कॉल करके हमारे से पूछते हैं भाई सब कोई दिक्कत हो गांव में, कोई परेशानी हो कोई बताओ आप। हाँ जी, क्या नाम है सर? ओम प्रकाश दावा, गाँव सीसवाड़, जिला पार्षद प्रतिनिधि जी। जैसे आप मनोज जी के साथ आज जींद की रैली में आप जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से आप? हाँ जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे नेता आदमपुर से हैं, तो मनोज जी के साथ आप क्यों लगे? मनोज जी अच्छे इंसान है जी, हमारे बढ़िया मित्र भी है और काम करने वाले युवा भी है जी, कोई सामने कैंडिडेट आएगा और उसको जबरदस्त टक्कर देने वाले भी है जी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर दाव खेल सकती है? वो तो मोदी साहब का है जी, जो खेलेगी तो हम इनके साथ जीत के इनको भी जाएंगे जी विधानसभा के अंदर। हाँ जी, जी क्या नाम है जी आपका? विजय सैनी जी। कहाँ से हैं आप? कावरेल से जी। कावरेल से हैं, तो आदमपुर हल्के का जैसे इन्होंने पिछले दिनों में बयान दिया, कुलदीप बिश्ने भजनलाल परिवार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, तो क्या लगता है भजनलाल परिवार का आवाज़ उठाना सही है? ऐसा है, बिल्कुल सही है, और मनोज जी कैसा दमंग नेता भारतीय जनता पार्टी का आदमपुर हल्के में नहीं है जो कुलदीप बिश्नोई के सामने बोल सके, लोगों को सर उठा के जीना सिखाएंगे ये लोग। बाकी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो धीमी गति से और ज़्यादा शांति प्रिय हैं, कुलदीप बिश्नोई की टक्कर में ज़्यादा शांति प्रिय, लोगों की भी जरूरत नहीं, उससे टकराना एक वहाँ का गढ़ से टकराना है। सिटीबिग न्यूज के लिए हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीबिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।